सिंह, श्री मुलायम सिंह बोलना पड़ेगा हमें बोलने के लिए। मुलायम सिंह हमें बुलाया, बुलाया उसे, आपके लिए नहीं बोलने दे रहे। श्री मुलायम सिंह पहले आप मेंबर को बोलो, ये अच्छे नहीं है। जब मुझे बुलाया तो नहीं, ये अच्छे नहीं है, प्लीज ये अच्छी नहीं है। हम लेकिन हमको बुला करके समय मेरा का वापस ले लिया अध्यक्ष महोदय, हमको बुलाया था आपने। बिकॉज नो नी यू प्लीज अंडरस्टैंड, इज द फादर ऑफ द हाउस, दैट्स व्हाई आई गिवन सीनियर मेंबर, आई गिवन अ चांस। नो नो आई हैव कॉल्ड यू, सीनियर मेंबर को दे दिया, वो तो फादर ऑफ हाउस है, दे दिया, चलिए ठीक है। अब तो और करिए बात। मुलायम सिंह अध्यक्ष महोदय, ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता का जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आर्चर हो, अरे प्रसन्न नहीं है तो क्या आपने क्या कह लिया? हम कहते हैं नहीं पेश हो रहा, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मत सिखाइए, आपसे कम नहीं रहा हूँ सदन में, आपसे कोई कम सदन में नहीं रहा हूँ। हाँ आपको आपको आप जैसे लोग बहुत सुना मैंने, बात ऐसे बहुत सुनते हैं, बहुतों को करके आए थी ऐसे। अध्यक्ष महोदय आपने इजाजत दी है, हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय पूरा का पूरा सदन है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने सोचा किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आसन लागू करके आत्महोजा जो जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश को बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बीजेपी आपकी हालत इसीलिए हो गई और हालत हो रही था, इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति होगी, आम सहमति लेकर के ही हम इस बिल को पेश करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय आम सहमति लेकर इस बिल को पेश किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था और अभी तक आम सहमति नहीं ली गई है और आम सहमति जब हो जाए तब सदन के अंदर पेश होना चाहिए। और ये जो मुलायम सिंह जी विधेयक है, विदाउट एनी बिल इन द हाउस वी आर डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ द बिल, व्हाट इज दिस? अध्यक्ष महोदय सदस्यता भी ले लेंगे तो सदस्यता दे देंगे, लेकिन इतने बड़े समाज की उपेक्षा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते सदन के अंदर। इस अगर सुन के आ गए तो ये बहुमत के बल पर हाउ कैन यू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ आज हम बहुमत इनका हो सकता है लेकिन हम उनकी आवाज उठा रहे हैं जो देश में जिनका बहुमत है, इसलिए आवाज हमारी सुनिए। और अध्यक्ष महोदय जो वायदा किया था सरकार की तरफ से वो आम सहमति जब हो उसके बाद ही विधान पेश किया जाए। रम नायडू